इन टूडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंक्रीजिंग एंड एंड्रीजिंग पढ़ने जा रहे हैं बाद में आपको यह पढ़ाया जाएगा कि टिक्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है तो सबसे पहली बात यह है कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या जैसा कि आपको बताया गया है कि फंक्शन एक रिलेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जिसमें कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैल्यू मिलता है डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आप कह सकते हो रफली कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है जिसमें कि एक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं और हर एक्स के वैल्यू के लिए वाई का एक यूनिक वैल्यू मिलता है इसमें तो आपके पास दो सिचुएशन हो सकता है वाई इज इक्वल टू अगर आप एफ एक्स के रूप में लिखते हो इसको तो आपके पास दो सिचुएशन हो सकता है पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर आप x को जिस तरह से चेंज करो y में चेंज भी उसी तरह से हो मतलब x को घटाओ तो y घटे x को बढ़ाओ तो y बढ़े दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन अगर x को चेंज करने पर y सिमिलर मैनर में चेंज करे कहने का मतलब एक्स को अगर बढ़ाया जाए तो y भी बढ़े एक्स को अगर घटाया जाए तो y भी घटे देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन और अगर एक्स और y में जो चेंजेज है वो अलग अलग तरह का हो कहने का मतलब है कि अगर एक्स को बढ़ाए तो y घटे या एक्स को घटाए तो y बढ़े देन इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन तो आपको समझ में आना चाहिए कि इफ चेंज इन X and Y are in similar manner that is, if X increases, Y increases, if X decreases. वाई डिक्रीज इज देन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन देखिये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो लिखा हुआ है एफ एक्स का कुछ फॉर्म होगा जो भी हो दस फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें फॉर एग्जाम्पल आपके पास है वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री तो आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में आपके पास है वाई इज इक्वल टू आपके पास देखना चाहिए कि y इज इक्वल टू है मान कि ऐसा फंक्शन लेते हैं जो इंक्रीजिंग हो हमेशा y इज इक्वल टू फाइव एक्स ठीक है आप देख सकते हो इसमें यही होगा अगर y x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा x घटाओगे तो y भी घटेगा इसमें भी यही बात है एक्स बढ़ाओगे तो वाई भी बढ़ेगा एक्स घटाओगे तो वाई भी घटेगा सो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इन दोनों में यही होगा कि एक्स बढ़ाया जाए तो वाई भी बढ़ेगा एक्स घटाया जाए तो वाई भी घटेगा और इसलिए ये दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया ये दोनों फंक्शन अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन का तो डिक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो चेंजेस होता है वो अपोजिट मैनर में हो अपोजिट तरीके से हो जैसे कि इफ चेंज इन एक्स एंड वाई आर इन अपोजिट मैनर मैनर दैट इज इफ एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेज and if and if x decreases, y increases. अगर आप x घटाओगे, तो y बढ़ेगा. x बढ़ाओगे, तो y घटेगा. Then y is equal to f x is called डिक्रीजिंग फंक्शन तब y इज इक्वल टू एफ एक्स को आप डिक्रीजिंग फंक्शन कहोगे तो आपके सामने है कि किस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है इन सभी चीजों को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो यहां पे तब हम लोग अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर हम बात करें तो आपके पास है वाई इज इक्वल टू आप देख सकते हो कि अगर आप एक्स बढ़ाओगे वाई घटेगा एक्स घटाओगे वाई बढ़ेगा ऑलवेज हर एक्स के वैल्यू के लिए यही होना है इसका मतलब है कि ये क्या है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल हुआ तो आपके सामने है डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे अगर x और y में चेंजेज एक तरह का हुआ x बढ़ाने पे y बढ़ा x घटाने पे y घटा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है

ना कि इसके लिए हम लोग डिफेंसिएशन वगैरह यूज करेंगे वैसे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो डिफेंसिएशन करते हो जो कि कैलकुलस में कराया भी जाएगा आपको डिसाइड कि इंक्रीजिंग कौन है डिक्रीजिंग कौन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेंसिएशन लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग सिंपली कुछ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कि क्या कौन किस क्वाड्रेंट में किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है तो बात करते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दो वैल्यू रखते हैं थर्टी डिग्री वैल्यू रखते हैं और सेकेंड वैल्यू हम लोग रखते हैं सिक्सटी डिग्री वैल्यू रखते हैं तो अगर आप साइन थर्टी डिग्री देखोगे तो आपके पास है हाफ और फिर अगर आप साइन सिक्सटी डिग्री एंगल देखोगे तो आपके पास है रूट थ्री बाई टू यहां पर आप देख सकते हो कि आपका जो एंगल है थर्टी डिग्री से ज्यादा सिक्सटी डिग्री एंगल बढ़ा मतलब एक्स बढ़ा तो वैल्यूज आप देखोगे आपके पास है साइन थर्टी हाफ और साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू तो वैल्यूज भी बढ़ा इसका मतलब साइन इस इज इंक्रीजिंग फंक्शन साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ कहां पर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट साइन जो हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया अगर आप कॉस थर्टी डिग्री देखोगे तो आपके पास होगा रूट थ्री बाई टू और फिर कॉसटी डिग्री देखोगे तो आपके पास होगा हाफ और इससे पता चल रहा है कि साइन जो होगा जो कॉस होगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कॉस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन सेकेंड क्वाड्रेंट

तो आप देख सकते हो कि साइन आपका इंक्रीजिंग है को साइन आपका डिक्रीजिंग है को साइन आपको डिक्रीजिंग साफ दिख रहा होगा कि एंगल अगर आपने बढ़ाया थर्टी डिग्री से सिक्सटी डिग्री किया तो जो वैल्यूज है और आप वो घट रहा है और इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है बात करते हैं हम इन सेकेंड क्वाड्रेंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है नाइनटी डिग्री से ज्यादा एंगल होगा और वन एटी से कम तो हम लोग बात करते हैं 120 डिग्री एंगल का और सेकेंड वन बात करते हैं 150 डिग्री एंगल का इन दोनों एंगल की बात करते हैं तो अगर आप sin 120 डिग्री एंगल की वैल्यू की बात करो तो आप इसको लिख सकते हो sin 180 60 डिग्री और इसका वैल्यू हो गया सिंपली साइन 60 डिग्री चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव ही होगा sin और आपको पता है ये मैंने पिछले क्लास में ही बताया है आपको कि अगर साइन पाई माइनस थीटा है तो बेसली सेकेंड क्वारेंट में और सेकेंड क्वारेंट में साइन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वारेंट में टेन पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वार में तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वारेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है तो साइन सिक्सटी डिग्री और इसका वैल्यू हो गया रूट थ्री बाई टू और अगर मैं साइन वन फिफ्टी डिग्री की बात करूं तो आपके पास होगा साइन वन एटी माइनस थर्टी डिग्री और इसका मतलब हो गया साइन थर्टी डिग्री इसका मतलब हो गया हाफ इसका मतलब हो गया हाफ तो आप देख सकते हो इससे क्या आएगा कि आपने अगर एंगल बढ़ाया 120 डिग्री से 150 डिग्री एंगल किया तो वैल्यूज घट रहा है और इसका मतलब है कि इससे पता चल रहा है साइन इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन सेकेंड क्वाड्रेंट आर्डेंट में साइन जो है फंक्शन है वो आपको सामने यहां पे दिख रहा होगा अगर इसी तरह से मैं अदर को साइन और टेन की बात करूं सेकेंड क्वाडेंट तो आप उसके लिए भी देख सकते हो वैल्यूज मैं फिर इसी 120 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल 150 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूं तो कॉस 120 डिग्री एंगल की अगर हम बात करें कॉस 120 डिग्री एंगल की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो कॉस 180 डिग्री माइनस सिक्सटी और चूंकि ये क्या है सेकेंड क्वारेंट में इसलिए माइनस कॉस सिक्सटी होगा सेकेंड क्वारेंट में कॉस निगेटिव होता है वन एटी माइनस वन एटी प्लस मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा और कॉस माइनस सिक्सटी का मतलब हो गया माइनस हाफ इसी तरह से अगर कॉस वन फिफ्टी डिग्री एंगल की बात करोगे आप तो कॉस वन एटी माइनस थर्टी डिग्री और अगर वन एटी माइनस थर्टी डिग्री मतलब कॉस थर्टी डिग्री और इसका मतलब माइनस रूट थ्री बाई टू हो गया है और इससे आप देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है आपके पास क्या हो रहा है आपके पास कॉस सिक्सटी और कॉस थर्टी है कॉस सिक्सटी का वैल्यू आपको पता है हाफ होगा कॉस थर्टी का वैल्यू आपको पता है रूट थ्री बाय टू होगा तो ये वैल्यूज आप देख सकते हो घट रहा है ये वैल्यूज आपके पास घट रहा है आपके सामने है यहाँ पे वैल्यूज आपका घट रहा होगा आप देख सकते हो माइनस हाफ से कम हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू आपने एंगल बढ़ाया तो वैल्यूज घटा इसलिए कॉस इज इस डिक्रीजिंग फंक्शन कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन सेकेंड क्वाड्रेंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है अगर आप इसी तरह से टेन की बात करो तो टेन वन ट्वेंटी डिग्री एंगल को आप फिर ऐसे ही लिख सकते हो टेन वन एटी माइनस थीटा

सॉरी टेन जो है यहां पे क्या है टेन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन सेकेंड क्वारेंट टेन इज इनक्रीजिंग फंक्शन इन सेकेंड क्वारेंट आपके सामने है कि टेन का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है वैल्यूज के साथ इसी तरह से आप थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी डिसाइड कर सकते हो जैसा कि मैं डिसाइड करने जा रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देख लिया है और इसी तरह से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं मान लिया हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें और इस तरफ हम फोर्थ क्वाड्रेंट की भी बात करते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में हम आइडेंटिफाई करने के लिए कंपेयर करने के लिए दो एंगल डिसाइड करते हैं फर्स्ट वन इज 210 डिग्री एंड सेकेंड वन इज 240 डिग्री जो सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट का है इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं दो एंगल फर्स्ट वन इज 300 डिग्री एंड सेकेंड वन इज थ्री डिग्री ठीक है आप देख सकते हो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वन एटी प्लस थर्टी और इसको हम लिख सकते हैं वन एटी प्लस सिक्सटी आप इसको लिख सकते हो थ्री हंड्रेड सिक्सटी माइनस सिक्सटी और इसको लिख सकते हो थ्री हंड्रेड सिक्सटी माइनस थर्टी ये लिख सकते हो और इन सभी वैल्यूज पे आप देख सकते हो अगर आप इसका साइन लोगे साइन वन डिग्री एंगल

साइन डिक्रीजिंग हो गया साइन जो है डिक्रीजिंग हो गया अगर आप कॉस 210 की बात करो तो माइनस कॉस 30 डिग्री होगा कौ, माइनस कॉस 30 मतलब माइनस रूट थ्री बाई टू कॉस टू की बात करो तो आपके पास माइनस कॉस सिक्सटी डिग्री दैट इज इक्वल टू तो माइनस हाफ और आप देख सकते हो यहां पे वैल्यूज एंगल बढ़ा रहे हो आप तो वैल्यूज भी बढ़ रहा है और इसका मतलब कॉस आइन जो हो गया यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया इन थर्ड हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं टेन टू हंड्रेड टेन की बात करोगे आप, तो आपके पास होगा प्लस टेन सिक्सटी डिग्री एंड विल बी इक्वल टू रूट थ्री और इसका मतलब आप देख सकते हो एंगल बढ़ाने पर वैल्यूज भी यहां पर बढ़ रहा मतलब टेन यहां पर इंक्रीजिंग है टेन यहां पर इंक्रीजिंग है तो आप देख सकते हो टेन यहां पर इंक्रीजिंग हुआ इसी तरह से अगर आप इसमें देखना चाहो तो साइन 300 डिग्री इज इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन 60 डिग्री और साइंस 60 डिग्री का मतलब रूट थ्री बाई टू है अगर आप साइन 310 की 330 की बात करो तो साइन 30 डिग्री आप लिखोगे और इसका वैल्यू हाफ हो गया तो आप देख सकते हो कि यहां पे वैल्यूज बढ़ने पे वैल्यूज हो गया है विथ माइनस साइन नोट माइनस साइन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन के साथ होगा तो वैल्यूज बढ़ा है मतलब साइन यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है अगर आप कॉस थर्ड थ्री डिग्री की बात करोगे तो प्लस uh, में आएगा कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू वन बाई टू एंड कॉस अगर आप 300 थर्टी की बात करो तो आपके पास होगा कॉस थर्टी डिग्री दैट इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू तो आपका जो वैल्यूज है वो यहां भी बढ़ा है सा, साइन भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है यहां पर आप देख सकते हो कुछ गलत तो नहीं हुआ इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग आपके पास थ्री हंड्रेड पे कॉस सिक्सटी आया है और कॉस सिक्सटी का मतलब वन बाई टू कॉस सिक्सटी का मतलब वन बाई टू सही है कॉस थ्री हंड्रेड थर्टी पे क्या हो गया है थर्टी डिग्री आया है मतलब रूट थ्री बाई टू इसका मतलब कॉस्ट भी बढ़ रहा है और अगर टेन की बात करते हैं टेन थ्री हंड्रेड डिग्री की बात करते हैं तो माइनस टेन सिक्सटी डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री और अगर टेन थ्री हंड्रेड थर्टी की बात करते हैं तो आपके पास माइनस टेन थर्टी डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री और इस तरह से आपका टेन भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है यहां टेन भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है तो आप देख सकते हो कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट सभी जगह डिसाइड कर लिया कि कौन सा साइन को और टेन में कौन घट रहा है बढ़ रहा है तो आप देखोगे कि अगर हम इसको ब्रीफ में लिखना चाहें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आप सभी को पता होगा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जैसा कि आपने देखा साइन बढ़ रहा था कोसाइन घट रहा था और टेन बढ़ रहा था यह आप देख रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो साइन भी बढ़ रहा है कोसाइन भी बढ़ रहा है और टेन भी बढ़ रहा है जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है तीनों बढ़ रहा है हालांकि तीनों में मुझे डाउट दिख रहा है थ्री हंड्रेड डिग्री है माइनस सिक्सटी डिग्री माइनस साइन थिग्री माइनस थ्री थ्री बाई टू थ्री हंड्रेड थर्टी डिग्री मीनस माइनस साइन थर्टी डिग्री माइनस साइन थर्टी माइनस हाथ करेक्ट ठीक है जो भी आ रहा है अब यहां पे देखिएगा यहां पर साइन जो है वो क्या हो रहा था सेकेंड क्वार की अगर हम बात करें तो आपके पास जो आपने लिखा था उसके अनुसार से साइन जो है वो क्या हो रहा था अगर आप 120 ट्वेंटी डिग्री एंगल की बात करो तो आपके पास था 60 डिग्री मतलब वन साइन वन ट्वेंटी मतलब साइन 60 लिख रहे हो मतलब रूट थ्री बाई टू और फिर उसके बाद तो इसलिए साइन यहां पर घट रहा था कोसाइन की अगर हम बात करें कोसाइन की बात करें तो कोसाइन में फिर क्या हो रहा था निगेटिव साइन के साथ आएगा तो कोसाइन अगर आप 120 डिग्री एंगल की बात करो तो आपके पास हो जाएगा माइनस कॉस सिक्सटी डिग्री और इसका मतलब माइनस हाफ और अगर कॉस 150 डिग्री एंगल की बात करो तो माइनस कॉस थर्टी डिग्री और इसका मतलब होगा माइनस रूट थ्री बाई टू तो आप देख सकते हो एंगल बढ़ा रहे हो तो वैल्यूज यहां पे क्या हो रहा है वैल्यूज आपका घट रहा है तो इसलिए कोसाइन भी डिक्रीजिंग है और टेन जो है इंक्रीजिंग है अगर आप फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके सामने था थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपने 210 अभी हमने लिखा भी था कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे 210 की बात करें अगर हम तो 210 पे अगर आप साइन 210 की बात करोगे तो 210 पे साइन 30 होगा माइनस साइन थर्टी मतलब माइनस ऑफ अगर आप साइन uh, टू पे बात करोगे अभी मैंने लिखा था इस चीज को लेकिन दोबारा लिख रहे थे यहां पे ताकि आसानी से गलती ना हो सके कुछ मिस्टेक ना हो सके तो आप एंगल बढ़ा रहे हो तो वैल्यूज आप देख सकते हो यहां पे क्या हो रहा है घट रहा है इसका मतलब साइन यहां पर डिक्रीजिंग है अगर हम बात करते हैं इसी तरह से कोसाइन का cos two, ten, cos forty, तो आप देख सकते हो कॉस थर्टी होगा कॉस सिक्सटी होगा और इस तरह से आपके पास माइनस रूट थ्री बाई टू और माइनस हाफ होगा तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जो है आपका बढ़ रहा है अगर आप एंगल बढ़ा रहे हो तो कॉसाइन जो है वहां पर इंक्रीजिंग है और टेन तो इंक्रीजिंग है ही था तो इससे आप देख सकते हो कि क्या क्या निष्कर्ष आप कंक्लूजन जो है आप ड्रॉ कर सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग सबसे पहली बात जो गौर करने वाला बात है कि टेन थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन आप देख सकते हो किसी भी क्वाड्रेंट को आप ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वारेंट फोर्थ क्वारेंट हर जगह टेन जो है वो इंक्रीजिंग ही है टेन कभी भी डिक्रीजिंग नहीं था अगर आप साइन थीटा की बात करो इज इंक्रीजिंग फंक्शन साइन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन आप देख सकते हो फर्स्ट क्वारेंट में है फर्स्ट एंड एंड देगेन एंड फोर्थ क्वारेंट ये दोनों जगह जो है साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है और अगर आप कोसाइन की बात करो कॉस थीटा की बात करो तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहां कहां था इंक्रीजिंग फंक्शन इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यही कंक्लूजन है कि किस जगह पर साइन कोसाइन और टेन का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा याद रखना है टेन थीटा ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है हर क्वाड्रेंट में टेन थीटा बढ़ता है साइन जो है तभी इंक्रीजिंग आपके पास होगा जब आप फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो और कोसाइन जो होगा तभी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो इसको हमने आसानी से अलग अलग वैल्यूज पे रख रख के अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग एंगल्स का वैल्यू रखा जिसके आधार पे हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है